नहीं नाइन नहीं, एट ही करनी है शायद। एट अच्छा, एट की बचे हुए नीचे बचे हुए हैं। अच्छा, ये एक पूरी शीट है। ओके, इसके प्रूफ्स करने हैं हमने बस। वो लाइन की इक्वेशन होती है, इतना फंडा चाहिए ही नहीं, टैन थीटा लगा के आंसर आएगा, जरूरत ही नहीं है। चलें आगे करें, काम शुरू करें। कुछ डिस्टर्बेंस ही लग रही है मुझे वहाँ पे। ठीक हो? ठीक। देखो जो हमने अभी काम किया है ना, इसके बेस पे कुछ प्रूफ्स हैं। चार इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, और s इज इक्वल टू वी टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस। तो इसको प्रूव करने को आ सकता है। इससे पहले का जो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो तो एक नंबर में आएगा। कोई भी जैसे स्कूल का टीचर दे देगा, ग्राफ बना देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसकी वेलोसिटी निकाल दो, एक्सेलरेशन स्लोप वगैरह निकाल देना, आंसर आ जाएगा। जो डेरिवेशंस हैं, जो प्रूफ्स हैं,
वो ऐसे आते हैं पेपर में। अब ये पेपर में आने वाली चीज़ है प्रूफ्स स्कूल के पेपर में, तो आपको कि फिर वो इतनी डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव शीट्स भी करनी है। ऑब्जेक्टिव का कुछ नहीं पता वो क्वेश्चन कहाँ से देगा, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर काम करता है वो, और ये नहीं पता कि वो कहाँ से उठा के क्वेश्चन आ जाएगा, तो हमें हर चीज़ को डिस्कस करना पड़ता है। अदरवाइज तो कुछ भी नहीं था, अदरवाइज तो यही यहीं से शुरू कर सकता था मैं, बट हमने पूरा डीप उसमें स्टडी करना है ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा मैं मालूम होगा उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस का प्रूफ बाय ग्राफिकल मेथड। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी टी। तो एस इज इक्वल टू वी टी कब लगती है, जब वेलोसिटी क्या रहती है बॉडी की, कांस्टेंट। तो आपने वही ग्राफ बनाना है जो बहुत देर से मैं डिस्कस भी करता आया हूँ कि ये एक बॉडी है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो बॉडी की वेलोसिटी वी, थोड़ी देर के बाद भी वी क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है एक्स वन, यहाँ पर कितना है एक्स टू, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एस। तो हमने थोड़ी देर पहले इसका ग्राफ प्लॉट किया था, सेम ग्राफ है ये, देखो ए पॉइंट आया था हमारा एक्स वन, यहाँ पर याद करो बी पॉइंट आया था तो ये कितना था x2, और लाइन ज्वाइन की थी x2 टू माइनस एक्स वन और t2 टू माइनस टी वन, तो ये हमने ड्रॉ किया। तो इसके अंदर कि यहाँ पर मान लो ये x1 पॉइंट है जब इनिशियल बॉडी यहाँ पर है, जब फाइनल बॉडी आ गई तो x2 पॉइंट है एट टाइम t2 टू इज इक्वल टू टी सेकेंड। तो इसमें कौन सा ग्राफ यूज़ कर रहा हूँ मैं, xt। xt ग्राफ की स्लोप अगर हम निकालें तो क्या आएगी, वेलोसिटी। तो बोलो स्लोप क्या होगी इसकी, x2 टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, ये लिख लिया। और स्लोप क्या है इसकी, वेलोसिटी। x2 टू माइनस एक्स वन क्या है s, और t2 कितना था जीरो, t1 कितना है, और t2 कितना है t, t1 कितना है जीरो, तो क्या आ गया s अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लाई s इज इक्वल टू वी टी। तो एक मिनट में प्रूव हो गया, और ये चीज ऑलरेडी हम प्रूव कर भी चुके हैं पहले, सेम ही तो ग्राफ है, सेम ही तो रिजल्ट है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कि यहाँ पर अगर प्रूव करने को है s इज इक्वल टू वी टी, तो आपने ये डायग्राम बनाना है, आपने ग्राफ बनाना है, और फिर एक ही लाइन लिखनी है स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, स्लोप निकालें और इसको s पुट करें, इसको t पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर। अब जैसे प्रूव करना है, टू प्रूव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय ग्राफिकल मेथड, तो एक काम करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एट टाइम t1 इज इक्वल टू जीरो से t2 इज इक्वल टू t, तो यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई s। तो अगर मैं इसका vt ग्राफ प्लॉट करूं, जैसे थोड़ी देर पहले भी हमने प्लॉट किया था कि a पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम t सेकेंड पर फाइनल वेलोसिटी b पॉइंट पर कितनी है v है, तो यहां से a से लेके b तक ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा। तो सेम ग्राफ है, और ये क्या था v माइनस यू, ये क्या है टी। इसमें कौन सा ग्राफ है, वी टी ग्राफ है। वी टी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या होगी, स्लोप बोलो v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, तो ये रहा v माइनस यू, ये रहा टी, टी इधर चला गया ए टी, यू इधर आ गया, तो बोलो क्या आया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपने कुछ नहीं करना, ग्राफ लिखना है, ग्राफ प्लॉट करना है, स्लोप लेनी है वीटी ग्राफ की जो कि एक्सेलेरेशन देगी, अपने आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। फिर आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ रिमेनिंग द सेम, कोई ग्राफ में चेंज नहीं। इस इक्वेशन में आपको क्या निकालना है, एस। बोलो रिजल्ट क्या किया, वीटी ग्राफ का जब एरिया निकलेगा, ये ग्राफ है ए बी, इसके अंडर एरिया का शेडेड एरिया, अगर मैं ये शेडेड एरिया निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एस। तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है बोलो, ये यू है ये टी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, यू टी, यू इंटू टी, कोई डाउट इसमें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या, यू इंटू टी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ए सी, ए सी बोल रहे हैं, और हाइट कितनी है बी सी, इसमें वैल्यूज बाद में पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू ए सी इंटू बी सी।
एसी किसके इक्वल है? टी, तो एसी की जगह क्या पुट कर दिया? टी। बीसी की जगह पुट तो कर सकता हूं वी माइनस यू, पर फायदा नहीं क्योंकि मेरे को प्रूव में आई नहीं रहा वी माइनस यू। तो एक काम करते हैं, बीसी को बीसी रहने देते हैं। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, टाइम पुट कर लिया, बीसी नहीं पुट किया। अब आप मुझे ये बताओ कि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ आपको क्या देती है? एक्सेलरेशन। क्या है स्लोप बोलो? बीसी डिवाइडेड बाय एसी। इसकी जो स्लोप है टैन थीटा वो क्या है? बीसी डिवाइडेड बाय एसी। तो ये देखो, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन इज बीसी डिवाइडेड बाय एसी, और एसी किसके इक्वल है? टी। तो स्लोप ए इज इक्वल टू बीसी डिवाइडेड बाय टी। क्या स्टेप क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीसी क्या आ गया? एटी। इस बीसी को उठा के यहां पुट कर दिया, क्या आ गया? एटी। मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो कुछ नहीं किया, दो रिजल्ट लिए। पहले हमने क्या किया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लिया। इसके अंदर ए सी की जगह टी पुट कर दिया। अब क्या पुट करना है? बी सी। बी सी पुट करने के लिए स्लोप क्या है? ए। स्लोप क्या है? बी सी बाई टी, बी सी बाई टी। तो बी सी क्या आ गया? ए टी। यहां पुट करके आंसर आ गया, राइट? तो क्या है पॉइंट? क्लियर है? ठीक। टू प्रूव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड अगेन। तो इसको प्रूव करने के लिए डायग्राम प्लीज फिगर जब पेपर में आएगा सेम ड्रॉ करना, सेम डायग्राम है। बस फर्क यह है, इस बार जो हम एस निकाल लेंगे वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से निकाल देंगे। अभी जो पिछले प्रूफ में हमने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किया, उसमें एरिया कैसे निकाला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। पर अगर आपको प्रूफ करना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बोलो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बोलो ये साइड कितनी है? यू। और ये पूरी की पूरी साइड कितनी है? वी। तो क्या बनेगा? हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस कितने है? ए सी। डिस्टेंस इज ए सी। तो ये लो, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू ए सी। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और डिस्टेंस को मैंने टी लिखने की बजाय ए सी पुट कर लिया। रीजन मुझे एक बात बताओ, इसमें जो स्लोप है वी टी ग्राफ वो क्या है? एक्सेलरेशन। क्या होगी स्लोप? बोलो बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ए सी। तो ए सी एक तरफ, ए नीचे चला गया, तो यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी बाय ए। बी सी बताओ किसके इक्वल होगा? ये वी माइनस यू। बी सी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो यहां पर बी सी की जगह पुट कर लिया वी माइनस यू। ये जो ए सी निकाला, इस ए सी को यहां पुट किया, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। टू और a इधर चला गया तो टू ए एस, तो क्या आ गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो कुछ नहीं किया, एरिया दोनों चाहे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो, चाहे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस हो, दोनों में एरिया निकलेगा। एरिया के साथ स्लोप का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो चाहे ऊपर वाला प्रूफ हो चाहे नीचे वाला हो, तो हो जाएगा ये प्रूफ। हाँ, अगर आप कोई और मेथड यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट सेम आना चाहिए, कर सकते हैं। मैंने ये किया, अगर आप कोई और मेथड जानते हैं जिसे आप इजीली प्रूफ कर सके, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आंसर सेम निकालना है, ठीक है? यहाँ तक जो मर्जी वैल्यू पुट करें डायग्राम देके चलेगा। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस। ठीक, मैं हमेशा बोलता हूँ ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। जो अगला लेक्चर है ना, उसके अंदर ये हमेशा आता है, ऐसे ये जो चार इक्वेशंस हैं इनके फिर से प्रूफ करने अगली बार, लेकिन ग्राफिकल नहीं, कैलकुलस को यूज़ करके, और पेपर में आएगा ही कैलकुलस यूज़ करके। कैलकुलस यानी कि डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन को यूज़ करके इन इक्वेशंस को आपने प्रूफ करना है। आपके स्कूल के पेपर में तीन नंबर का क्वेश्चन इसमें से 101% आएगा। अब कुछ मज़ा आया, अब मैंने कुछ बोलना शुरू किया कि कुछ आएगा। तीन नंबर का क्वेश्चन एरर्स का न्यूमेरिकल का आएगा, तीन नंबर का क्वेश्चन आपका यूनिट एंड डायमेंशन का एक एप्लीकेशन आएगा, तीन नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा, नौ नंबर तो यहीं इकट्ठे हो गए, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ कोर्स। ठीक, तो
इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आप मार्किंग करते जाना, मैं आपको एंड में बताऊंगा अभी तो आप कैसे करना है काम, बस आप इंपॉर्टेंट मार्क करते जाना, जब स्कूल का एग्ज़ाम होगा तब देखेंगे। कॉम्पिटिशन में ऐसा कुछ नहीं आता, मैं पहले बता दूँ, बिल्कुल अलग फॉर्मेट है। ऑब्जेक्टिव इसकी जब शीट्स मिलेंगी ना आपको आइडिया हो जाएगा, कॉम्पिटिशन एकदम अलग चलता है। उसमें सिर्फ एप्लीकेशन देखी जाती है कि आपको इक्वेशन लगानी आ रही है या नहीं आ रही, प्रूफ से उनको कोई लेन देना नहीं होता। तो प्रूफ एनसीईआरटी का काम है और कंपटीशन में लगानी आई कि नहीं आई, बस ये बात है। क्लियर है? ठीक, तो ये हमने ना नेक्स्ट टाइम करनी है, अभी वो आपकी जो असाइनमेंट उसकी डिस्कशन होनी है। शीट नंबर 7, ओके, असाइनमेंट नंबर 7, कितने लोगों ने ट्राई की? ट्राई की, कितने नहीं ट्राई की? कैसे आएगी? नहीं आएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ये याद रखना एक चीज़, प्लस वन की क्लास ना आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार जब पेपर आएगा ना हफ्ता पहले या महीना पहले हम पढ़ लेंगे, मुश्किल है, नहीं होती। अगर आप ये कहोगे ना, बहुत पेरेंट्स कहते हैं शुरू में तो कम पड़ता था, एंड में तो पता नहीं क्या हुआ इसे, जनवरी फरवरी के अंदर तो इसने क्या कमाली कर दी, टेंथ में रिजल्ट देखना। ये टेंथ तक ही चलता है, अभी ऐसा नहीं चलता। अभी तो आपने अब कर लिया तो कर लिया, नहीं तो आप ये लगाओ अगर कॉम्पिटिशन से अगर आपने 4 महीने पहले भी शुरू कर दी तैयारी, 4 महीने पहले बोल रहा हूँ, आपका कॉम्पिटिशन क्लियर नहीं होता। डेली प्रैक्टिस मैटर करेगी यहाँ पर, डेली प्रैक्टिस। आप कैसे सीखते हो ये मैटर नहीं है, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, मैटर ये है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है, बस उसको अप्लाई करना आपको क्लियर आना चाहिए, आपका पेपर रुक नहीं सकता। पर अगर आप याद कर रहे हो, चलो इस क्वेश्चन में ये लगा लूँगा, उसमें ये लगा लूँगा, उसमें ये लगा, फिर नहीं होता। आप कॉन्सेप्ट सीखें और प्रैक्टिस तो ज़रूर करें, बिना प्रैक्टिस के तो आज तक कोई सिलेक्ट हो ही नहीं पाया, जितना मर्जी आई क्यू लेके पैदा हो जाए, मैं बता रहा हूँ प्लस वन प्लस टू में बिना पढ़े तो क्लियर हो ही नहीं सकता, ये मैं आपको बता दूँ। बहुत इंटेलिजेंट देखे और बहुत इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट देखे, जो ओरली ऐसे आप तो फिर पता नहीं, एक दो पेन, वो तो पेन को हाथ भी नहीं लगाते, एक मिनट में आंसर आ जाते हैं, उनका भी कुछ नहीं हुआ अगर वो रेगुलर नहीं पढ़ेंगे। बहुत देखे, और जो रेगुलर पढ़ रहा है, चाहे एक एवरेज स्टूडेंट है लेकिन डेली प्रैक्टिस कर रहा है, वो बच्चा फिर भी कुछ ना कुछ एंड करेगा अच्छा, क्योंकि कोर्स बड़ा है ना, तो अगर आप असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं कर रहे हैं तो फिर बाद में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको संभालना। ठीक है, तो प्लीज़ जो भी असाइनमेंट थे उसको होमवर्क जरूर करके आएँ। तो असाइनमेंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, सपोज करो ए पॉइंट से कोई कार चलती है, वापस घूम के ए पे आती है, आर रेडियस गिवन है, तो लेट अस सपोज कुछ जर्नी का पार्ट बता रहा है, जैसे ए बी, मान लो ए से लेके बी तक जा रहे हैं, कोई मुझे बताएगा ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 2πr/4। क्यों? डिस्टेंस का मतलब लेंथ, ए बी की जो लेंथ होगी इसका आर्क होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होता है सर्कल का? 2πr, और ये 1/4 सिर्फ सेक्टर है, तो क्या आएगा डिस्टेंस? क्या आएगा? 2πr/4। और अगर मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो लाइन ज्वाइन कर दो ए और बी, तो ये अगर आर है, ये अगर आर है, तो ये क्या है? अंडर रूट ऑफ आर, पाइथागोरस लगा देना, रूट टू आर इज द आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आंसर्स वो पूरे, वो पूरे आंसर्स नहीं है, उसको आंसर को मत देखो, मैं कर रहा हूँ सॉल्व, छोड़, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल रहा हूँ, जो मर्जी निकाल लेना, आंसर को मत देखो, ये समझ में आ गया। अब जैसे ए से सी पे आ रहे हैं, ए से सी पे ये डिस्टेंस कितना है? 2πr/2, तो 2πr/2, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है ए से सी? कितनी? 2r, तो 2r। जब मैं ए से डी पे आऊंगा तो ये 3/4 हो गया, तो 2πr × कितना? 3/4। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो मैं ज्वाइन कर दूंगा ए डी, ज्वाइन करूंगा तो r और r का अंडर रूट क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2r। और जब मैं ए से स्टार्ट होकर घूम के ए पे आऊंगा तो
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो, और डिस्टेंस क्या होगा, टू पाई आर। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो आप लोगों को गूगल ड्राइव मिल गई थी, सॉल्यूशंस सबके ठीक ऐसे अपडेट होते जाएंगे, आप चेक भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर टू में डाउट हो गया था, क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट, फोर में डाउट, फोर में बॉडी कवर्स वन थर्ड ऑफ द जर्नी विद द स्पीड ऑफ यू। तो वन थर्ड का मतलब टोटल अगर एक्स है तो वन थर्ड का मतलब एक्स बाई थ्री विद द वेलोसिटी ऑफ यू, नेक्स्ट एक्स बाई थ्री विद द वेलोसिटी ऑफ वी, नेक्स्ट एक्स बाई थ्री विद द वेलोसिटी ऑफ डब्ल्यू। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री अपॉन टोटल टाइम। इस इंटरवल का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड। इसका टाइम क्या होगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड। इसका क्या होगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड। तो यहाँ से x बाई थ्री कॉमन आ गया डिनोमिनेटर में, x से x ये तो ऐड हो गया, x ही बन गया, x और x क्या हो गया, कैंसल। कैंसल करके थ्री ऊपर आ गया, तो आपके पास ये टर्म आ गई। LCM लिया u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो ये LCM लेके ये टर्म आ गई, रेसिप्रोकल लिया, तो आपके पास आंसर आ गया। बट कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे करना है इसमें, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। कोई डाउट इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट, नेक्स्ट वही क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम शीट में हमने किया था। तो कितनों का हो गया था, अच्छा ठीक है, आपने वो रिवाइज की होगी शीट और फिर एक बार, ठीक। तो क्या है, अ बॉडी ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, कवर्स हाफ वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो वन हाफ का मतलब एक्स बाई टू विद अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट गिवन है। फिर वो क्या कह रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस एक्स बाई टू कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। तो अगर ये जर्नी टी वन में है, ये जर्नी टी टू टाइम की है, तो पहला हाफ टाइम का मतलब टी टू बाई टू कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन, अगला टी टू बाई टू कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ वी टू। तो ये क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होगा, v1 into t2 by 2, और ये डिस्टेंस क्या होगा, v2 into t2 by 2। 2 से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, यहाँ से क्या आ गया, t2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? सॉल्व करके t2 निकाल लिया, t1 आपने वैसे ही निकाल लिया x by 2 by v0। तो अब आपके पास क्या निकालना है आपको, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम में टी वन प्लस टी टू। तो टी वन ये रहा, टी वन और टी टू ये रहा, तो इस t1 t2 को यहाँ पुट कर दिया, 2 नीचे चला गया, 2v0, 2v0 में यहाँ से x कॉमन आ गया, x और x कैंसिल, यहाँ से LCM लिया, ये LCM है, LCM लेके रेसिप्रोकल आंसर आ गया। स्टेप्स अगर चेक करने हैं, गूगल ड्राइव पे असाइनमेंट है आपकी, आप चेक कर सकते हो। पर पॉइंट समझ में आ रहे हैं, लॉजिक समझ में आ रहा है, देखो अंदर तो मैथ है, इसको मत देखो, ये फिजिक्स नहीं है। अगर यहाँ पे दिक्कत है तो ये ना बोलो फिजिक्स में दिक्कत है, बोलो मैथ के अलजेब्रा में दिक्कत है। फ्रिक्स थोड़ी ना, ये फ्रिक्स वालों का काम तो खत्म हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बाकी तो आप जानो कि कैसे निकालते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, आंसर कैसे निकालते हो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर सिक्स में डाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन में डाउट, तो शीट की प्रॉब्लम थी सेवन। तो क्वेश्चन नंबर एट में डाउट, नाइन में डाउट, टेन में डाउट, हमें तो ठीक है, क्या डाउट टेंथ, क्या और कोई टेंथ, बॉडी ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ एस वन विद वेलोसिटी ऑफ वी वन, एस टू विद वी टू। तो क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, टोटल टाइम निकालो ना यहाँ पे, एस वन बाई वी वन, एस टू बाई वी टू, लो एलसीएम आंसर, रेसिप्रोकल आंसर, ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट, 11 में क्या गिवन है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। इसमें a और b तो गिवन ही है आपको, 8.5 और 2.5, तो x बन गया। क्या निकालना है, व्हाट इज वेलोसिटी एट 0 एंड 2, कौन सी वेलोसिटी, जब कोई मेंशन ही नहीं है तो कौन सी, इंस्टेंटेनियस। तो ये x की इक्वेशन लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt। x को पूरे को यहाँ पुट करो,
इसको ओपन करो, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड टर्म, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0, 2.5 इसकी 2t, 2t इंटू 2.5 इज 5t, तो ये वेलोसिटी क्या आ गई इंस्टेंटेनियस 5t। हाँ पहले डिफरेंस करनी पड़ेगी यहां तक, फिर वैल्यू पुट करनी है, पहले नहीं करनी। मैंने कब की पहले पुट? मैंने पुट, हाँ ए और बी, हाँ बाद में कर लेना वो, कोई चक्कर नहीं। तो वी की वैल्यू आ गई, तो इसमें टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे वी निकालना है तो एक आंसर 0, और दूसरा टाइम 2 सेकंड पे निकालना है तो एक आंसर 10, आंसर आ गया। फिर वो क्या कह रहा है, इसमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। अब t2 t1 तो पता है 4 n 2, x2 x1 निकालना है। ये x की वैल्यू थी ऊपर, इसमें अगर मैं यहाँ पर टाइम को 2 पुट करूँगा तो x1 आएगा, 4 पुट करूँगा तो x2 आएगा। ये देखो 2 पुट करूँगा तो x1 आएगा, 4 पुट करूँगा तो x2 आएगा। इस x1 x2 को यहाँ पुट करूँगा, टाइम मुझे गिवन है, डिवाइड करके क्या आएगी? एवरेज वेलोसिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर से एवरेज वेलोसिटी में कभी कैलकुलस यूज ही नहीं होता, एवरेज में तो x2 में x1 होता है और इंस्टेंटेनियस में या dx by dt होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट, 13 में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है, क्या निकालना है? फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब x निकालना है, वेलोसिटी एंड एक्सलेशन जब टाइम 0 है। एक काम करो, एक्स को, एक्स के अंदर टाइम को पहले 0 पुट कर दो, एक्स आ गया, ये पोजीशन आ गई, फिर एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करके ये वेलोसिटी आएगी, इस वेलोसिटी में अब टाइम को 0 पुट करो तो वेलोसिटी आएगी इंस्टेंटेनियस आ गई। ये भी क्लियर है? फिर क्या निकालना है? एक्सलेशन, तो एक्सलेशन में जो वेलोसिटी आई थी इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ गई? एक्सलेशन विच इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, टाइम से डिपेंडेंट है ही नहीं, तो एक्सेलेरेशन हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? और डिफरेंशिएशन के स्टेप्स तो प्रॉब्लम नहीं ना कोई, डिफरेंशिएशन के स्टेप्स हो जाएंगे, समझ में आ रहे हैं? ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ इसमें ये भी गिवन है अगला पार्ट कि व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0, व्हेन का मतलब टाइम बताओ। अब ये आपके पास क्या है? वेलोसिटी है, तो इसमें वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? 0 पुट कर दो तो क्या आएगा? टाइम आएगा, आंसर आ गया टाइम का। फिर वो ये पूछ रहा है क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का केस है? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होती है? जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, हाँ एक्सेलेरेशन तो इसमें कांस्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का केस है, राइट? क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट, 14 आपको इसमें वी गिवन है, आपको क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी। तो v2 माइनस v1 कब? जब टाइम 2 और 4 है, जब टाइम को 2 पुट करोगे, यहां पे 2 पुट करके v1 निकाल लो, टाइम को यहां पर 4 पुट करो, सॉल्व करके v2 निकाल लो, v2 माइनस v1 निकाल लो। फिर अगला पार्ट है एवरेज एक्सेलेरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी तो आ गई v2 माइनस v1 और टोटल टाइम पता है आंसर। क्लियर है यहां तक? आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो आप एक काम करो, ये वी है ना, इसको डिफरेंशिएट करो तो आपके पास क्या आएगा? ए आएगा, ये ए आ गया, उसने कहा टाइम 4 सेकंड पे निकालो, एंड में टी को 4 पुट करके आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट, डाउट छोड़ो तो मैं डिस्कस ही करना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक्सेलेरेशन गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, और क्या गिवन है? इफ पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 2, कौन सी वेलोसिटी गिवन है? इनिशियल। कब? जब टाइम की वैल्यू क्या है? 0। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? 2 है। फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालो। मुझे ये सब छोड़ो, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, जो हमने इंटीग्रेशन में किया था,
कि अगर आपको एक्सेलेरेशन गिवन है और वेलोसिटी निकाल लो, तो पहला स्टेप क्या होगा, एक्सेलेरेशन को क्या लिखेंगे, डीवी बाय डीटी। किया था आपने, रिकॉर्डिंग भी सुन ली होगी, और जो क्लास में जिन्होंने जो है अटेंड किया है सबको पता है एक्सेलेरेशन डीवी बाय डीटी। डीटी को राइट पे ले गए, डीवी और डीटी का रिलेशन आ गया, इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो वी आएगा, तो दोनों तरफ क्या कर दी, इंटीग्रेशन। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आप खुद लिमिट लगाएंगे, नहीं तो नॉर्मली लिमिट्स मैं लगा के देता हूँ। अब लिमिट कैसे लगती है ये इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे आप ये देखेंगे कि ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी आ गई इन स्मॉल टाइम डीटी। तो अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो लिमिट टाइम की लगेगी, अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है तो लिमिट वेलोसिटी की लगेगी, अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स होती तो लिमिट एक्स की लगती, डी क्यू होती तो क्यू की लगती। तो जिसका भी वेरिएबल है टी, टाइम की लिमिट लगेगी, वी है तो वी की लिमिट लगेगी। कैसे, हम बोलते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट। एक्चुअल में होता है लोअर लिमिट आपको बताती है इनिशियल सिचुएशन, अपर आपको बताती है फाइनल सिचुएशन। जैसे टाइम इनिशियली कितना है, जीरो, फाइनल टाइम कितना है, 2 सेकेंड। तो ये गाड़ी कितनी देर तक चली, 2 सेकेंड तक। तो टाइम की लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके 2 सेकेंड तक। अब यहां पर वेलोसिटी की सिचुएशन देखें, वेलोसिटी शुरू में कितनी थी, 2, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो लिमिट क्या लगेगी, इनिशियल कितनी है, 2, फाइनल निकालनी है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इनिशियल लिमिट नीचे की लिमिट बताती है इनिशियल सिचुएशन। तो इनिशियली टाइम 0 था और टाइम 2 तक गाड़ी रन करती है, इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी इनिशियल क्या थी, 2, और फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। बाकी अब आप इंटीग्रेशन जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म और इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म। इसको ब्रेक करेंगे, 3 बाहर आ गया, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टी क्यूब बाई 3, इसकी टी स्क्वायर बाई 2, 1 डीटी की टी लिमिट्स के साथ एज इट इज, और 1 डीवी की इंटीग्रेशन क्या होती है, वी लिमिट के साथ एज इट इज। एक बार वी की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार टी की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार टी की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करके 2 को राइट साइड पे ले जाना, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। तो इंटीग्रेशन के स्टेप्स तो आप ही को करने हैं, बिना लिमिट के करेंगे तो कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, बिना लिमिट के मत करें, लिमिट्स लगाने की आदत डालें, क्योंकि हम, और अगर लिमिट से प्रॉब्लम है कोई टेंशन नहीं, हमने पूरे साल 100 बार लिमिट लगानी होगी, 100 क्वेश्चंस में, मतलब नहीं लिमिट लगानी। आज तक किसी बच्चे ने कहा नहीं लिमिट लगानी नहीं आई, अंदर से आएगी लिमिट लगानी कुछ दिनों में। तो बता दिया मैंने, इनिशियल फाइनल करते जाओ, लिमिट अपने आप लगती जाएगी, लिमिट्स की आदत डालो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट, इंटीग्रेशन की थी हमने, कुछ मिस किया इंटीग्रेशन में, ओके सारा किया। मैंने आपको इंटीग्रेशन में ये सिखाया था कि अगर आपको एक्स गिवन है, डिफरेंशिएट करो वी आएगा, डिफरेंशिएट करो वी को ए आएगा। अब उल्टा चलें, ए को इंटीग्रेट करो वी आएगा, वी को इंटीग्रेट करो। तो कैसे करते थे, ए को डीवी बाय डीटी, राइट साइड पे डीटी, इंटीग्रेशन की कॉपी चेक करो, टेस्ट में भी आया था ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में, ऐसा ये सेम क्वेश्चन है, याद आ गया, बस उसमें लिमिट नहीं थी, इसमें लिमिट है। क्वेश्चन नंबर